हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हमारे से भी धक्कड़ भाई है। तो मैडम के थोड़े से मजे लिए, उसके बाद बोल दिया ब्रांच में आएंगे। तो मैडम तो चुपक ही रही है, सर ब्रांच में कब आओगे कब आओगे कब आओगे। जैसे कि ब्रांच में बुलाकर अपने रिश्ते की बात करेंगे मेरे साथ, मैं ज़्यादा ही पसंद आ गया लगता है। तो बस भाई हो, आपको भी बस इन्जॉय करना है, इन्जॉय करो यार। जीवन में टेंशन बहुत है, टेंशन नहीं लेने का। बाकी आपके ऊपर आप कैसे हैंडल करते हो, आस्त रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात है। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ जी हाँ, ये सुधीर बात कर रहे हैं ना? हाँ जी सर, नमस्कार। माई सर बात कर रही थी इंडसइंड बैंक से। कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है आपका, कुछ अपडेट करेंगे आप? नहीं मैडम, मैं बार क्या आउटस्टैंडिंग है, मैं कुछ अपडेट नहीं करूँगा। थैंक यू, आपने पूछा उसके लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ अपडेट नहीं करूँगा, आपने पूछा उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप पेमेंट नहीं करवाएंगे सर कार्ड की? नहीं मैडम, अपडेट नहीं करूँगा, पेमेंट तो एक अलग चीज, अपडेट की बात करी मैंने, अपडेट नहीं करूँगा। बट क्यों नहीं अपडेट करेंगे सर, कब तक पेमेंट होगी तो आप बताएंगे ना, कितना पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? श्वेता जी, आप रिकवरी वालों में बहुत ही चुल रहती है यार, कोई हर चीज का रीजन चाहिए आपको, हर चीज का रीजन दो सर। अरे सर, 2 महीने की पेमेंट रिकवरी वाले नॉर्मल कॉल ही कर रहे हैं। नहीं मैडम, रिकवरी वाली हो आप। अरे सर, रिकवरी में केस पहुँचा तो देखे पहले अपना, 2 महीने की पेमेंट की है आपकी ओनली। बकेट 1 में है अभी, है जो मर्जी समझ लो, बकेट में है। थोड़ा सी बात करो आप, बताओ कैसे करवाना है पेमेंट आपको, आपको बता दोगे आप? नहीं मैडम, हम नहीं बताते। क्यों सर? अरे हर चीज का रीजन बताना जरूरी नहीं होता, क्यों क्यों करते हैं। सर 3 महीने कल, 3 महीने के पेमेंट थी, 3 महीने पहले पेमेंट कर लिया। अब बताओगे तो कहना की 4 महीने हो गए आपको सर। मैं नहीं देता। क्यों सर, रीजन? हर चीज का रीजन बताना जरूरी नहीं होता, पता क्या मतलब सर? बताना जरूर, अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ तो हर चीज का रीजन होता है, लेकिन बताना पड़ा है वो जरूरी नहीं है। रीजन है लेकिन बताना पड़ा है वो जरूरी नहीं। सर एक बात बता, तो मुझे एक डेट बता दो कि मैं इतनी डेट से कितना पेमेंट कर दूंगा। 1 जनवरी 2025 में एक सर, लेकिन क्यों 1 रुपए का पेमेंट करूंगा, 1 रुपए का सर? क्यों क्यों? हर चीज का रीजन बताना जरूरी नहीं था। तो हर महीने पेमेंट करवानी होती है, पेमेंट तो हर महीने करवानी होती है, आप मिनिमम करवा दीजिए, पूरा मत कराइए तो। नहीं मैं नहीं करा। आपका 61,100 रुपए का मिनिमम है, वो करवा दीजिए आप सर। नहीं मत कराइए आप, 4 महीने हो गए आपको पैसा नहीं दे रहे हैं आप। उसके बाद बोल रहे हैं मैं जनवरी में पेमेंट करूंगा सर। मैं नहीं कराता जी। सर क्यों नहीं कराएंगे, रीजन तो बता दीजिए आप। मैं नहीं कराता जी, मैं रीजन बताना क्या बताया, बिल्कुल कदो वाली बातें। रीजन बताया, कोई रीजन ही नहीं बताया आपने। आपने बोला मैं 1 जनवरी को पेमेंट करूंगा, रीजन बताना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करेंगे आप, क्या कह रहे हैं? होता है हर बार रीजन बताना होता है, क्यों नहीं होता है सर, क्यों नहीं होता है? कल को आपको कोई खाना देने के लिए मना कर दिया तो आप पूछोगे नहीं कि क्यों खाना देने के लिए मना कर दिया? रीजन बताना जरूरी नहीं होता। भूखे बैठे रहोगे क्या? भूखे बैठे रहोगे, भूखे बैठे रहोगे आप? बिल्कुल बताया, आपने जो एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल भूखे गधे का कुआ, भूखे रहोगे सर आप। मैडम बिल्कुल गधे का कुआ आपका दिया हुआ है, घर वाले आपको खाना देने से मना कर देंगे, रीजन भी पूछोगे? मैडम बिल्कुल गधे का कुआ दे दिया आपने, यहाँ पे एग्जाम्पल मैडम आगे कैसे आपने बताया, क्या खाई थी, टट्टी खाई थी क्या गधे की, ऐसा आग रही है? टट्टी तो नहीं खाई थी कल, मतलब वो आगे जो किसी काम का नहीं है। मैंने क्या बोला, हर चीज का रीजन होता है, लेकिन हर चीज का रीजन बताना पड़ा वो जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों का रीजन नहीं बताया जाते, वो जरूरी नहीं होता। लेकिन आपने तो ऐसी बात बोल दी कि मैंने तो गू खाया, गू ही मांगूंगी, गू खा के गू क्यों आग रही हो? क्या कह रहे हैं आप? गधे का गू खा के गू क्यों आग रही हो? रोटी आग देती है, अजीब ही बात है। सारे काम आपके काम है नहीं सर, सारे मेरे काम तो बहुत सारे, मेरे सामने आ जाओ, मेरे सारे काम पूरे कर लूंगा, जितना भी मुझे करना होगा। आप आ जाइए मेरी ब्रांच में, क्या कह रहे हैं आप? आओ कभी अवेलेबल पे, जितने आप थोड़ा तेज बोलेंगे सर, थोड़ा तेज बोलेंगे आप, पता है क्या लगा के बात कर रहे हैं आप? आवाज आधी आ रही है, आधी धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे आप जी? कभी हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, थोड़ा तेज बोल लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आवाज बहुत कम आ रही है, वॉल्यूम कम है आपकी आवाज। तेज मैडम, तेज, ठीक है। हाँ तो पेमेंट का बताइए सर मुझे आप। गधी मैडम, मैं पेमेंट नहीं देता, मैं पेमेंट नहीं देता।
पर आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैडम, आप एक काम करो, आप बोलिए, आप पेमेंट करो कहीं। आप ना, आप जो है ना, कोई अपने टीएल के पास जाकर दवाई मांगो कान में आवाज लाने की, वो दे। नहीं सर, आप तेज बोल लीजिए ना, आप कुछ कर सकते हैं सारे काम। तेज तेज ही बोल रहा हो, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरी गलती है। सर आप कोई ना आगे बात कर रहे हैं, आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ आपको, आवाज तो क्लियर आ रही है लेकिन वॉल्यूम कम आ रहा है, तेज नहीं आ रहा है। दिक्कत फोन में है, तुम्हारे फोन ठीक करा लो कृपया कर। आपके फोन में होगी तो आप तेज बोल लीजिए ना, तो धीरे बोलते हैं आप। मेरे फोन में अगर दिक्कत होती, मेरे फोन में अगर दिक्कत होती, मेरे फोन में अगर दिक्कत होती है मैडम, तो शायद मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आती नहीं आवाज आपको। उन्होंने लिखी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज तो आ ही रही है लेकिन धीरे आ रही है, यही तो बोल रही हूँ मैं आपको। वही तो कह रहा हूँ, आवाज तो क्लियर आ रही है। आपके फोन का एयर स्पीकर खराब है, ठीक करवाओ उसको एयर स्पीकर। ठीक है, और कस्टमरों के लिए ठीक आती है, बिल्कुल आप ही की नहीं आ रही। मैं आपके लिए खराब होगा मेरा, और कस्टमरों के लिए खराब नहीं हुआ था, आप ही के लिए खराब होगा। तो मैडम आप खराब ही नहीं, आप बहुत काम किए मेरे लिए, कभी मिलना मुझे। क्यों सर, रीजन बताइए आप। बहुत काम किया, आप मिलोगी तो बताऊंगा, कभी मिलना स्पेशल तब बताओ। क्यों सर, तो आ जाइए मेरी ब्रांच में आप। ब्रांच का एड्रेस ला दो आप। क्या कह रहे हैं आप? ब्रांच का एड्रेस दो। क्वार्ट इनक्लेव मेट्रो स्टेशन। क्वार्ट इनक्लेव, मैंने बहुत सुना है क्वार्ट इनक्लेव, को भी किसी दिन जाना पड़ेगा। आ जाइए आप। पक्का? हाँ आ जाइए, ब्रांच में आके बात करूँ पेमेंट के रिगार्डिंग। मैडम मैंने को कोई आपको दगा छोड़े ना देगा आपको। स्वागत कैसे करोगी हमारा? आ जाइए ना सर, जैसे आएंगे वैसे ही होगा स्वागत। आइए आप, मतलब खाना पीना खिलवाओगी नहीं खिलवाओगी? सर आप ब्रांच तो आ जाइए, आगे की बात बाद में करेंगे ना, आप ब्रांच तो आइए। अरे मैं तो ब्रांच जाके सारी बातें कर लूंगा, खाने की बात करो, खाने के लिए मैं आपसे। ब्रांच तो आइए आप, आके बात करेंगे ना, फोन पे भी उसको करा देंगे आप। आ तो जाइए आप पहले। मैडम फिर भी आप खाना, ये क्या होगी, खाना खिलवाओगे? आप आ जाइए ना, आ जाइए ना आप पहले। नहीं आ तो मैं जाऊँगा लेकिन आप खाना खिलवाओगे? तो आ तो जाइए। पक्का? हाँ आ जाइए आप। ठीक है मैडम, आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्द आऊंगा। कितनी देर में आ रहे हैं आप? जितनी देर में आपने सोचा नहीं होगा उतनी देर में आ जाऊंगा। तो कितनी देर में? पहले मेरे को भी टाइम निकालना पड़ता है, आप भी वही वाली बात कर रहे हैं। तो कब तक आएंगे आप मुझे बता दीजिए ना, मेरे को टाइम तो निकालने दो। इतना कब तक निकालेंगे टाइम, वो तो बताइए आप। अरे बिना निकाले कैसे बता देगा कोई पर्सन? कैसी मैडम, मतलब इंसानों वाली बात भी कर लिया करो कभी कभी, कदे कदे इंसानों वाली तो कर रही हूँ, आप बताएंगे ना, आप आज फ्री है, आज आ रहे, कल फ्री है, कल आएंगे मंडे, आप तो बताएंगे ना। निकालने दो फिर टाइम, सर आप बता दीजिए ना कब तक फ्री होंगे। अरे सोचने दो सामने वाले को, फ्री कब तक होगा, सोच लीजिए। सर आप आने की बात कर रहे हैं तो आप सोच समझ के तो बोलेंगे ना मुझे सर, कैसी बोल देंगे आप, कैसे कैसे आप बताइए, आप कब तक आ जाएंगे सर? आप क्या कह रहे हैं आप ये मत बोलना कि आप बैंक करो, बैंक करो। सर आप ब्रांच बताइए ना कब तक आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप बैंक करो। हाँ सर बैंक करूँ। मैडम कैसे कैसे लोगों को बैंक रख लेता है, मेरे को तो यकीन नहीं। वही तो, ये सब आप ब्रांच में किसी का ऐड कर लेना ना, आप बताइए ना कब तक आ रहे हैं। अरे मेरे को सोचने दो मैडम, मेरी प्यारी अरे श्रेया, श्रेया नाम है ना आपका, सोच लीजिए आप सर, सोच लीजिए आप। अच्छा एक बार नाम बताना, बैंकर नाम क्या था? श्रेया नाम है सर। श्रेया, हाय कितना प्यारा नाम है। तो आप बता दीजिए सर आप ब्रांच कब तक आ रहे हैं। मैडम आप आपकी कितनी एज है? ब्रांच कब तक आ रहे हैं? ब्रांच टाइम देख के बताऊंगा ना, बता दीजिए आप। देखने दो टाइम श्रिया, बता दो आप। अरे मैडम आप भी बिल्कुल है चुपा की गई, देखने दो तो सामने। अरे उम्र क्या? ब्रांच आने का टाइम बता दो ना सर। आपका पूरा नाम क्या है श्रिया? टाइम बता दो आप ब्रांच कब तक आओगे। अरे मेरे को भी देखना सोचना पड़ेगा तभी तो बताऊंगा। तो आप बता दीजिए सर सोच के। मैं कह रहा हूँ आपका पूरा नाम क्या है? ब्रांच कब तक आओगे सर? जब हमारा करेगा दिल तब तक। हेलो सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हाँ। तो आप ब्रांच कब तक आ रहे हैं सर? जब दिल करेगा तब आएंगे हम। कब तक आएंगे सर? दिल तो करने दो। कब तक करेगा सर? अरे दिल से पूछ के बताओ। कब तक करेगा? दिल से पूछ के बता दीजिए सर, पूछ के बता दीजिए।
जैसे बात कर रहा हूँ एक मिनट रुका, अरे दिल यहाँ पे आके जैसे सीरियस से बात कर लियो ले। अरे हेलो काटर बोलिए। हाँ जी श्रीया जी, मैं इसका दिल बोल रहा हूँ, बताइए जी। मेरा दिल जो है ना अभी कब तक ब्रांच आएंगे सर? अभी अभी क्या है ना, ऐसा है हमारा जो है ना, मेरी एक बाबू है तो अभी उससे मिलने जाना है। ब्रांच कब तक आएंगे सर? मैं तो बता रहा हूँ, अभी मेरी एक बाबू है उससे मिलने जाना है, ठीक है? तो ब्रांच आते हैं हम, आएंगे ब्रांच परसों, परसों कम से कम 2:30 बजे, ठीक है? परसों संडे है सर। संडे है क्या? अरे यार कोई नहीं, चलो सोमवार को आ जाएंगे 2:30 बजे, ठीक है? आप मंडे आएंगे ना 2:30 बजे ब्रांच? आज मंडे, आप मंडे बोलते हैं, हम सोमवार बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको मंडे को कॉल कर लूंगी मॉर्निंग में, आप बता देना मुझे। ओके ओके जी, ओके ठीक है, ध्यान से कर लेना श्रेया जी, और अपना ध्यान रखना, दुबली पतली हो रही हो आजकल, खाना खाया? हाँ जी अभिषेक जी से सर बात हो रही है हमारी। हाँ जी जी अभिषेक जी, जो कॉल है रिकॉर्ड में हो रहा है, क्वालिटी एंड टेनिंग प्रोसेस के लिए, जैसे कि सर हम देख पा रहे हैं आपने एक्चुअली लेंगे दरअसल पर्सनल लोन लिया था, लास्ट अकाउंट नंबर सर कंफर्म कर देना चाहता हूँ सर मैं आपको। 8912 हो रहे हैं सर, टोटल लास्ट ट्रेनिंग का अमाउंट है सर पेंडिंग कर रहा था आपका 23,373 रुपये का। क्या रीजन के से ये जो अमाउंट का जो पेमेंट है सर अभी तक हो नहीं पाया, डीलर रीजन सर मैं जान सकता हूँ? पर्सनल लोन था ना इसलिए। हाँ जी पर्सनल लोन था ना इसलिए पेमेंट नहीं हो पाया। पर्सनल लोन था हाँ, इसलिए नहीं हो पाया पेमेंट। क्यों सर पर्सनल लोन का सर पेमेंट नहीं करते आप? नहीं क्योंकि पर्सनल चीजें बताने की और देने की नहीं होती ना किसी को इससे। किसने बोला सर पर्सनल लोन का चीजें बताने? यार तुम्हारा कोई पर्सनली राज है, मान लो कल तुम हो जाओ गए थे गर्लफ्रेंड के साथ तो खुले में थोड़ी बताओगे भाई कल को सेक्स करके आए हो गर्लफ्रेंड के साथ, पर्सनल चीजें बताने के लिए? वो तो बता रहा हूँ पर्सनल चीजें देने की और बताने की, पर्सनल लोन है ना इसलिए नहीं देता। तो सर पेमेंट करवा दिए थे अभी तक? अरे तो बता दे रहा हूँ पर्सनल चीजें बताने की और देने की नहीं होती। क्या पर्सनल चीजें? अबे गांडू हाथी के आंट, पर्सनल चीजें बताने की और देने की नहीं होती, वही तो बता रहा हूँ। चीज में पूछ लोगे आपसे, मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ ना जो पर्सनल लोन लिया आपने। अरे तो है तो पर्सनली ना, तो इसके लिए पर्सनल का क्या लेना देना है भैया? पर्सनल लोन पर्सनल में नहीं आएगा? कहा पर्सनल में आएगा पर्सनल लोन? तो किसमें आएगा फिर? पेमेंट करवा दीजिए आप सर, जब पर्सनल बताने क्या देना तो पेमेंट करवा दीजिए आप। भाई साहब हाथी के आंट मुंह में लिए थे क्या कल? बता दे रहा हूँ पर्सनल चीजें बताने की और देने की नहीं होती। मतलब जो आपने लोन लिया आप तो नहीं? हाँ जी पर्सनल है ना, क्रेडिट कार्ड है ना तो दे देता। नहीं 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दोगे नहीं जो आपने लोन लिया अभी तक बोल रहे हो? नहीं दूंगा ना, पर्सनल है ना। तो ये चीज बैंक में आके बोलिए ना कि मैं दूंगा नहीं। तो तुम्हें क्यों बता रहा हूँ यार, बैंक में नहीं आ सकता तभी तो बता रहा हूँ। तुम भी यार सुबह सुबह हाथी का मुंह पी के बैठे हो क्या? पहली बात थोड़ा प्रोफेशनली बात करो आप, ये तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, प्रोफेशनली बात करूँ भाई साहब, मैं जो है ना देता नहीं हूँ पर्सनल चीज। तू बैंक में क्या बोलिए कि मैंने जो पर्सनल लिया है वो मेरा पर्सनल है, मैंने तो तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्या मुझे बता रहे हो? क्या मुझे बता रहे हो? तुम्हें क्यों बता रहा हूँ जी? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्या व्यक्ति से बोलना चाहा त्याने तुमच्या कॉलला होल्ड वर ठेवला आहे? अरे तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। बैंक में क्यों नहीं विजिट कर रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास बैंक आ सकूँ, और तो पर्सनल लोन है। इतना सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है ना आपके पास, बैंक ने ऑलरेडी जो है ना लीगल नोटिस भेज चुका है आपको, और ये बैंक से आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। लीगल एक्शन ले लो, लीगल तो एक्शन ले लो, लेकिन पर्सनल चीज लेने के बाद भाई ऐसा नहीं है, वो पर्सनल चीज को ली और मतलब बताई जाती है किसी को इसलिए जाती है। भाई साहब ये बताओ सुबह सुबह हाथी की मूत चाटी थी क्या, या हाथी का मूत पिया था, हाथी के अंडे चाटे थे? जब बता रहा हूँ ले लो की चीज को चार बार बोल दिया। हाथी के अंडे सर पर रखे थे क्या सुबह सुबह? अंडो का आशीर्वाद लिया दोस्त। हेलो हाँ हेलो हाँ जी बोल रहा हूँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर, एक्सिस बैंक से आपसे बात करो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी आप पेमेंट नहीं किया अभी तक। मैडम आपने मेरा नाम तो पता कर लिया निशान सारंग, आपने अपना नहीं बताया। कनिका बात कर रहे सर? कनिका हाँ जी, कनिका जी फाइव सॉरी एक्सिस के भी आपसे बोल रही है, एक्सिस से बोल रही जी, आपसे बात कर रही हूँ मैं, बताइए जी कनिका जी।
क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले हुआ है सर, क्या हुआ सर अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं किया आपने? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मैडम एक आरटीपी डाल देना और लिख देना कस्टमर देगा नहीं, मना कर रहा है। क्यों कर लेंगे आरटीपी? आरटीपी कस्टमर का मन कर रहा है ना डलवाने का? क्या चल रहा है? कस्टमर का मन कर रहा है डलवाने का। अच्छा कस्टमर का मन कर रहा है? हाँ डलवाने का। पेमेंट कीजिए सर, टाइम पास के लिए कॉल नहीं किया मैंने। टाइम पास के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हारे साथ टाइम पास करूंगा। हाँ तो पैसा बाकी है ना, बैंक का पैसा नहीं सर, उसकी बैंक का बाकी है और मैं देख लेंगे जो बीच में एजेंसी होती है। बैंक का ही पैसा बात करूँ ना सर, आप बैंक का पैसा बैंक और मैं देख लेंगे बीच में। आप ऐसे ही करते हो क्या? आपके नेबर्स लोग से पैसे लेते हो और भरते नहीं हो, फिर उन लोगों से ऐसी बातें करते हो, ऐसी करते हो क्या सर? कनिका बैंक और मेरा है ना, मैं और बैंक देख लेंगे, बीच में एजेंसी को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से बात करो। अच्छा कहाँ पे? हाँ अच्छे से ही बात कर रहे हैं आपसे, कोई गलत लाइन में नहीं कर रही है। बैंक और मेरा मैटर है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एजेंसी वालों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना टांग टूट भी जाती है कनिका। टांग नहीं हरा दे वरना टांग टूट भी जाती है कभी कभार, ठीक है? हम देख लेंगे बैंक वालों से जो भी सॉर्ट आउट देख लेंगे। तो इतने महीने तो देख ही रहे, 3 महीने बाबू ज्यादा आग नहीं आ रही तेरे अंदर, ज्यादा आग नहीं चल रही बाबू, तेरे अंदर ज्यादा आग नहीं चल रही बाबू, तेरे अंदर ज्यादा आग नहीं चल रही है, तेरा पूरा बदन ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तेरा पूरा शरीर ज्यादा गर्म नहीं हो रहा, ज्यादा आग नहीं चल रही तेरे अंदर। अरे तेरे अंदर ज्यादा आग नहीं चल रही, मैं देख लूंगा ना, तेरे ने बोला किसी बोल रही है। समीज से बात करवा, समीज से बात करवा मेरी, तमीज कौन है? बात कर रही हूँ, बात तो करवा, तमीज कौन है? क्या बोल रहा है? तमीज है कौन कनक, बात तो करवा मेरी। आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? लैंग्वेज यूज हिंदी कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज। एक तो बैंक का पैसा हिंदी लैंग्वेज नहीं कर पा रहे हो, तमीज से बात तो करा कनक। अरे मेरी प्यारी कनक, तमीज से बात तो करा रहे, तमीज एग्जिस्ट कहाँ पे करती है? बात करा मेरी तमीज से, तमीज किधर है? बात करा आप अपनी लैंग्वेज देखिए सर, पहले तमीज से बात कर ले ना, मुझे तमीज है कि नहीं? आप ऐसी बात करते हो, एक मिनट, अपनी माँ से मैं तुम्हारी माँ से ऐसे बात कर लूँगा? अगर तुम नंबर देना चाहते हो तो दे दो, तुम्हारी माँ से रिश्ते की बात भी कर लूँगा, रिश्ते की बात भी कर लूँगा। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।